तो बेटा बच्चे नहीं पीते है ना, ये बुरी बात है। तुम्हें पता है ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो ये क्या है, इससे बंदा बीमार हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ये देखो पापा, फिर आप भी तो पीते थे। आप सिगरेट पियेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो ना। ना, आप ठीक कह रहे हो बेटा, आइंदा के बाद मैं ये सिगरेट नहीं पीऊंगा, क्योंकि इससे बंदा बीमार हो जाता है। तेरा मेरा वादा हो गया, आइंदा के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। ठीक है बेटा, मैं आपको ख्याल करूंगा। यह कहानी हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। बाप अगर सिगरेट पीता है तो यकीनन बच्चे भी उसको देखकर सिगरेट ही पियेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए, हमारा मुआशरा अच्छा हो जाए, तो सबसे पहले बाप को ठीक होना पड़ेगा। बाप कभी भी अपने बच्चों के सामने सिगरेट मत पिए, क्योंकि सिगरेट नोशी से ही बच्चे हमेशा बाप को देख कर ही सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। सिगरेट नोशी करना भी एक नशा है। इस नशे में लाखों हज़ारों लोग नशे की लत में मुबतला है। आज अगर हम सिगरेट बच्चों के सामने पी रहे हैं, तो कल आने वाले वक्तों में यही बच्चे सिगरेट नोशी करेंगे। लिहाजा आप भी सिगरेट नोशी से बचें और आने वाले बच्चों को भी इस मोजी मर्ज से बचाएं। सिगरेट नोशी से छुटकारा हासिल करें और अपनी सेहत को अच्छा रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये वीडियो सिर्फ आपको इस्लाह करने के लिए बनाई गई है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए।